यकीनन अप्रैल का महीना जाते जाते एक के बाद एक दो ऐसे सदमे दे गया जिससे उभरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इरफान खान के बाद बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है और इस खास रिपोर्ट में हम आपको उस बीमारी के बारे में बताएंगे जिसने ऋषि को हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर कर दिया। आपको बता दें, ऋषि कपूर कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद सितंबर साल 2019 में भारत लौटे। कैंसर से संबंधित समस्या के चलते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज उनके निधन के बाद परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषि 2 साल से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। ये बीमारी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ल्यूकेमिया की वजह से शरीर में गैर सेहतमंद कोशिकाओं के बढ़ने से मरीज की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है और वो इन्फेक्शन बुखार की चपेट में जल्दी जल्दी आने लगता है। मरीज की त्वचा पीली होने लगती है, हर वक्त वो थकान महसूस करने लगता है। इसे लेकर हेल्थ स्पेशलिस्ट का कहना है, ल्यूकेमिया 67 साल की उम्र में होने वाला एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इसमें ब्लड कैंसर के शुरुआती स्टेज पर इलाज नहीं होता, लेकिन जब कैंसर बढ़ जाता है, इसके लक्षण सामने आते हैं, तब इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। कीमोथेरेपी के बाद भी इस बीमारी के लौटने की आशंका बनी रहती है, इसलिए बीमारी के वापस आने की आशंका को कम करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाता है। ऋषि कपूर को साल 2018 में ब्लड कैंसर का पता चला। वो इलाज के लिए अमेरिका गए, 11 महीने के बाद इलाज करवाकर भारत लौटे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर थी, बेटे रणबीर उनसे मिलने जाया करते थे। जब ऋषि का इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा था, बीटाउन के कई सितारे उनसे मिलने जाते थे। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, आमिर खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, मलाइका अरोड़ा, ये वो सितारे हैं जो 11 महीने के इलाज के दौरान ऋषि कपूर से मिलने के लिए अमेरिका पहुँचे। मई में ऋषि कपूर ने अपनी बीमारी पर चुप्पी तोड़ी। जब ऋषि इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए, उनकी ओर से, कपूर परिवार की ओर से कैंसर से ग्रसित होने की खबरों को नकार दिया गया, लेकिन बाद में ऋषि ने खुद बताया कि उन्हें कैंसर हुआ है। ऋषि ये भी बताते हैं कि भगवान की दया से मैं कैंसर फ्री हो चुका हूँ। बता दें आपको, ऋषि कपूर जब इलाज करवा रहे थे, उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ऋषि ने हमेशा अपने फैंस को हिम्मत रखने के लिए कहा। साल 2020 की बात करें तो ऋषि 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए, एक बार दिल्ली, एक बार मुंबई। ऋषि जब दिल्ली और मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, उनकी सेहत को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे, जिस पर ऋषि ने कहा कि मुझे नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बीते दिनों ऋषि की तबीयत एक बार फिर से ख़राब हुई, उन्हें कल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह ऋषि कपूर ने जिंदगी पूरी तरह से इसका साथ छोड़ दिया। ऋषि के निधन से उनके चाहने वालों को झटका लगा है, उनके फैंस को सदमा लगा है और पूरा कपूर परिवार टूट गया है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इस बीमारी ने ऋषि कपूर को हम सबसे दूर कर दिया। 2 साल इस बीमारी का इलाज चला, लेकिन ऐसा लगता है मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।